हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में टुडेज टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कलर्स, मतलब सही रंगों से खाली स्थान को भरना है। ठीक है, एफ आई डबल एल फिल आई एन एन टी एच ई द बी एल ए एन के एस ब्लैंक्स डब्ल्यू आई टी एच विद S U I T A B L E suitable C O L O U R S colors। ठीक है, सही रंगों से खाली स्थान को भरना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ दिए हुए सेंटेंस। पहला है C R O W S crows A I R crows R मतलब कौवे हैं। कौवे आपको पता है किस कलर के होते हैं ना, सबको पता है ना कौवे किस कलर में होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रोज आर, ब्लैक स्पेलिंग बी एल ए सी के ब्लैक। ठीक, क्रोज आर ब्लैक, क्रोज आर ब्लैक। फिर देखिए आर ओ एस ई एस रोजेस आर, रोजेस मीन्स गुलाब के फूल ना, गुलाब के फूल को बोलते हैं ना रोज। तो गुलाब के गुलाब हैं, गुलाब कैसे हैं बताइए, कैसे होते हैं गुलाब, रेड होते हैं ना, ज्यादातर जो रोजेस होते हैं रेड होते हैं। लिखेंगे रोजेस आर आर ई डी रेड, रोजेस आर रेड। फिर देखिए थर्ड है टी एच ई द एस यू एल सन, द सन इज सूरज है, सूरज किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है ना, तो द सन इज येलो। Y E डबल L O W येलो, येलो किस वाली, Y E डबल L O W येलो, द सन इज येलो। फिर है L E A V E S लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियां, लीव्स आर ए आर ई आर, लीव्स आर पत्तियां किस कलर की होती हैं, पत्तियां ग्रीन में होती है ना, यानी हरे कलर की होती है, तो हम लिखेंगे लीव्स आर ग्रीन, इसका भी स्मॉल जी लिखेंगे जी आर डबल ई एन, लीव्स आर ग्रीन। फिर है द स्काई एस के वाई, स्काई मीन्स आसमान, द स्काई इज आसमान किस कलर में होता है, ब्लू में होता है ना, तो लिखेंगे द स्काई इज ब्लू। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लू, बी एल यू ई ब्लू। ठीक है, फिर से देखिए सी आर ओ डब्ल्यू एस क्रोस ए आर ई आर ब्लैक्स, क्रोस आर ब्लैक्स, आर ओ एस ई एस रोजेस ए आर ई आर आर ई रेड, रोजेस आर रेड, टी एच ई द एस के वाई स्काई सॉरी एस यू एन सन, द सन इज वाई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो, द सन इज येलो, एल ई ए वी ई एस लीव्स आर नी पत्तियां हैं ग्रीन, जी आर डबल ई एन ग्रीन, लीव्स आर ग्रीन, द स्काई इज ब्लू, द एस के वाई स्काई, स्काई मीन्स आसमान, आसमान है ब्लू, द स्काई इज ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। और अब अंडरस्टैंड, सब लोग से ध्यान से अपनी कॉपी में राइट करेंगे, यानी कि लिखेंगे और इसको साफ साफ लिखेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, और सब लोग रीडिंग करेंगे, रीडिंग करना बहुत मस्त है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।